अहमद पटेल साहब को अहमद भाई कहते थे कि जैसे हमारी पार्टी में कोई एक व्यक्ति है जिसके पास पहुँच कर सारी सारी संकट दूर हो जाते थे, सारी चिंता दूर हो जाती थी। और सच में मानो तो किसी ने संकट मोचक कहा, किसी ने भाई कहा, किसी ने कुछ कहा। जब से पार्टी में पहला कदम लिया है तो एक केंद्रित अगर कोई जगह थी और व्यक्ति था तो वो अहमद भाई थे। कोई भी मन में कोई विचार आए उन तक ले जाओ, कभी कुछ करने की इच्छा हो तो उनसे सहायता सहयोग मांग लो। हर चीज़ में बढ़ावा देते थे, बढ़ाने की कोशिश करते थे। कभी कभी समझाते थे कि अभी रुक जाओ, समय आएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो वो एक विशेष जो एक विशेष पहलू था हमारी पार्टी की स्थिति और जो पार्टी की जो कार्य प्रणाली है उसको किस तरह से वो पिरो कर जोड़ते थे। आज ऐसा लग रहा है कि वो बीच का जो टाँका है वो टूट गया है। जो कड़ी होती है उस कड़ी को टूट जाने पर सारे मोती जो हैं वो बिखर जाते हैं। ऐसा ना हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो जहाँ भी होंगे वो यही चाहते होंगे कि कांग्रेस मजबूत रहे, जिसको उन्होंने अपना माना, जिसको सब कुछ दिया, उसको हम कमज़ोर ना होने दें। और आज उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम ये संकल्प ले लें कि हम कांग्रेस को कमज़ोर नहीं होने देंगे।